हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भैया अपने घर, गाड़ी ले जाए वहाँ पे आए थे, अभी इस पे चल रहा है, पुट्टी चल रही है। तीसरा दिन है और हम लोग अपनी बहन की एवेन्यू से जा रहे हैं मलियाबाद। हाय हाय, बहुत सेक्सी लगती है भाई कैमरे में। बैकग्राउंड देखते हैं आपको, ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर दोनों छुपे हुए हैं। अरे बाप रे, जो देख के माहौल। गाइज ये है डिफ्यूज़र अपनी जिला के लिए, इसको जल्दी से अनबॉक्स। गाइज ये रहा डिफ्यूज़र पीछे का, इसको जल्दी से भाई निकालो। इसका क्या फ़ायदा, इससे थोड़ी लगाएंगे हम, ड्रिल करवाएंगे ऐसे क्यों। यो भाई जानको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सी कॉलेज मिसाल खालिद भाई के नए वीडियो। सो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में, और आप लोग टाइटल से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो भाई आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इस दिन के लिए हमने बहुत ज़्यादा वेट करा है। जब हमने फॉक्सवैगन की पोलो ली है तभी से इस दिन का हम वेट कर रहे थे, क्योंकि भाई आज होने वाला है हमारी ज़िला पे पेंट, मतलब हमारी ज़िला होने वाली है ब्लैक। और भाई इस दिन का कसम से हमने बहुत वेट करा है और फाइनली आज जाके वो दिन आ चुका है। तो इस पर हम लोग यूजुअली करवाने वाले हैं कंप्यूटर वाला पेंट, जो कंप्यूटर से बन के आता है, तो वाला हम लोग ग्लॉसी ब्लैक करवाएंगे। और आरसी वगैरह में इसका चेंज हो चुका है, वो भी हम आप लोग को एंड में दिखा देंगे, क्योंकि अभी गई है और उसको एक दिन लगेगा आने में, तो वो हम आप लोग को दिखा देंगे। हमने आरसी में इसका कलर चेंज करवा दिया है, ब्लैक करवा दिया है, और हम लोग को बस अभी चलना है अपनी ज़िला को, एक मान के चलिए 2-3 दिन के लिए तो छोड़ना पड़ेगा यार, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि भाई अपनी ज़िला यार भले हम चलाएँ ना उसको, लेकिन मेरी नज़रों के सामने रहती तो एक अलग ही सुकून रहता है दिल को। लेकिन अब यार वो चली जाएगी 2-3 दिन के लिए, तो टेंशन रहेगी यार। हम लोग कहाँ इसको पेंट पे देने जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मलियाबाद के तरफ। एक्चुअली उस तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे दोस्त की, एक्चुअली हम लोग मलियाबाद इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे दोस्त की दुकान है जहाँ पे मतलब पेंट एंट होता है, बहुत अच्छी दुकान है। चलने से पहले आप लोग को एक बात बता दें कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोग से कहा था कि जब हमारी ज़िला पेंट पे जाएगी तो जो हम लोग मॉड जिसमें कर रहे हैं, जो सामान लगा रहे हैं, वो सब हम लोग निकाल देंगे। मतलब जो लगाए थे मॉड्स वो सारे वापस से निकाल देंगे, मतलब अनमॉड कर देंगे अपनी गाड़ी को, एक क्योंकि भाई पेंट होने पे जाती है तो पूरा इंटीरियर भी गंदा होता है। एक्सटीरियर तो भाई एकदम नया हो जाएगा, लेकिन इंटीरियर जो होता है वो गंदा हो जाता है भले जितना उसको बचा के वो लोग पेंट करें। तो अभी हम लोग सारा इंटीरियर और एक्सटीरियर में जितना भी हम लोग ने मॉड्स के सामान लगाए थे वो सब निकालते हैं चल के, और उसके बाद फिर चलते हैं भाई अपनी ज़िला को पेंट जॉब पर देने के लिए। तो भाई ज़िला के पास हम लोग आ चुके हैं, तो पहला तो हम सोच रहे हैं यार ये स्पॉइलर हमें हटाना पड़ेगा, या तो हम लोग जहाँ पेंट कराने जा रहे हैं उन्हीं भैया से बोलेंगे। और दूसरा हम लोग को क्या हटाना है, ये साइड स्कर्ट जो आप देख रहे हो, ये वाले साइड स्कर्ट हटाने हैं। और पहले से कर लेते हैं लॉक, भाई बारिश बहुत ख़तरनाक हुई है तो उसकी वजह से गाड़ी अपनी बहुत गंदी हो रखी है, तो इंटीरियर से हम लोग को ज़्यादा कुछ हटाने की तो हमें ज़रूरत नहीं लग रही है। देखते हैं इंटीरियर में क्या क्या हटेगा, ये सब हमें तो लग रहा है हटा देंगे, ये हटा देंगे और वो ये सब हटा देंगे। रेसिंग पैड हटा ही दो यार, हटा देंगे क्या, इसको रिमूव कर देते हैं। एक ही भाई पेंट हो गया तो लग जाएगा उस पर सब। गाइस ये सब रिमूव कर देते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या हमने रिमूव करा अपनी कार से। अभी फ़िलहाल इतना कुछ रिमूव करा है, गाड़ी के पेपर्स ले लिए हैं, ये सीट बेल्ट कवर रिमूव कर दिए हैं, और ये कार फ्रेशनर। और पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं क्या है। तो पीछे भाई ये भी यार हटा ही दो। तो ये गाइस पीछे का सामान हो गया, अपनी डिक्की खोलते हैं, तो डिक्की से ये हटा देते हैं। ये अभी थोड़ा ही सा बहुत साफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको साफ़ करा था हमने तो ये गंदा हो जाएगा। ये रिमूव हो गया है, ये सब निकाल लो, जिप टाई वगैरह, स्क्रू ड्राइवर तो भी काम आएगा। बाय चुप, गाड़ी के अंदर देख लेते हैं। ये रहा कलीन, और ये आपका, और ये स्पेयर क्लॉथ यहीं रखो, बस इतना ही सामान था, ज़्यादा कुछ नहीं। मेन तो भाई ये है, इसका स्पॉइलर है
और ये साइड स्कर्ट्स हैं, तो अब साइड स्कर्ट्स रिमूव करके देखते हैं हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। गाइज आप लोग को एक आज चीज़ पर गाइज आप लोग को एक चीज़ बताते हैं आज कि हमने इसके इंटीरियर में भाई आप लोग में से बहुत लोगों का सवाल होगा भाई इंटीरियर क्यों नहीं मतलब कुछ करा, सीट कवर्स नहीं लगवाए, रूफ वूफ बोल रहे थे कुछ नहीं करा है। भाई यही मेन रीज़न था कि भाई इस पर पेंट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भाई मान के चलिए अभी हम पेंट पर आज दे रहे हैं ठीक, और इंटीरियर इसका हो रखा होता तो भाई आप खुद एक बार गेस करो और आइडिया लगाओ कि कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है इसका इंटीरियर। मतलब इस वजह से हमने इसके इंटीरियर पे कोई काम नहीं करवाया, तो जब ये पेंट होके आएगी भाई तो पहला काम हमारा रहेगा इसकी सीट कवर वगैरह लगवाएंगे और एकदम एक नंबर इंटीरियर इसका देंगे, और उस मतलब जब ब्लैक हो जाएगी तो उसके हिसाब से उसके टेस्ट से इसका इंटीरियर हम लोग मतलब मॉडिफाई करेंगे, तो इंटीरियर भी इसका काफ़ी हम अच्छा रखेंगे। काफ़ी हम मेरे दिमाग में आइडियाज़ हैं, बस भाई हो के आ जाए एक बार। तो सामान सारा निकल चुका है, अंदर रख दिया पीछे का सामान, ये सब रख बचा है तो ये सब रख देते हैं अंदर अच्छे से ताकि गंदा ना हो, इसको रैप अप करके रख देंगे सही से। ये रहा पेच, मुझे खुलता है इससे क्योंकि बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर नहीं लग रहा था, खोल लेते हैं पहले इसको। भाई बड़ा पसीने छुड़वा दिया इसने, चार इसके चाइना बोर्ड खोलने में भाई भाई इतना सामान निकालने में इतना टाइम लग गया। दोनों साइड स्प्लिटर निकल चुके हैं और आधा घंटा लग गया इसमें, तो अभी यार फ्रेंड आ जाए मेरे, वेट कर रहे हैं उनका, तो चलते हैं अभी इसको यहीं खड़ा रहने देते गाइस। अब जल्दी से चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं भाई मलियाबाद की तरफ, खड़ो कर लो। इश कॉल ली है भाई गाइस, बस हम लोग जा रहे हैं अभी, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। अभी टाइम हो रहा है भाई 1-2 बज रहे हैं, सन भाई आ चुके हैं, फहाद भी आ चुका है। गाना समझिए कौन सा बज रहा है, सरकार तो साड़ी अपनी है। गाइस हम लोग बस मलियाबाद की तरफ पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पड़ती है शॉप, कहां पर है गाइस हम लोग आ चुके हैं, ये रही अपनी जिला और ये रही अटल, क्या लिखा है ना, अटल लिखा हुआ था और क्या लिखा था, ये है गाइस गैराज, डेंट चल रहा है उस पर, पेंट नहीं हुई है ना सन भाई, हाँ डेंट हो रहा है, डेंट के बाद पेंट होगा, ये देखो पूरी ख़त्म हो गई, हाँ पूरी खुल के बन रही है ये, खत्म थी भाई पीछे देखो एक्सीडेंटल है, लेकिन बन रही है, देखते हैं अभी जो ओनर है आगे भी आते हैं। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी साइट, हमारी जो साइट है, क्योंकि अभी जो पेंटर आ रहे थे भाई मतलब जहाँ गए थे तो जो ओनर है वहाँ के वो भी आए नहीं है, तो आ जाएं भाई फिर चलते हैं, क्योंकि उन्हीं से बात करनी है, वर्कर से बात करके क्या फ़ायदा, वो तो कह देगा हाँ हो जाएगा, लेकिन जो मेन काम जो हम लोग कराना है जिस हिसाब से तो उन्हीं से बात होगी। अभी चलते हैं साइड पे, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर अभी कॉल वॉल करके उनको तब आते हैं उनके पास। भाई आ चुके हैं, पता करके बताते हैं कितने का क्या खर्चा आएगा। दो से रुकी है, एक ये है, हमें तो लग रहा है ये एक ही से रुकी है इससे, हाँ भाई खोल चुके हम काफ़ी, लाइट आइट हमने इसके अंदर लगाई है ना, तो गाइस पूरी काली मतलब ब्लैक करवा रहे हैं, अंदर वाल भी भाई कह रहे थे अंदर नहीं होता है मतलब चल जाएगा अगर अंदर आप नहीं कराएंगे, लेकिन हमने कहा भाई कर दो वीडियोज़ वगैरह में ख़राब लगेगा, ऐसे डोर खोला बाहर ब्लैक है अंदर वाइट है तो ख़राब लगेगा, पूरी करवा देंगे क्या करें फायदे हैं, ले ले क्योंकि सही कराना देना भी तो है। हाँ एलंकी है आपके पास, देख दी हम लोग खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर प्रॉब्लम है तो। गाइस इसकी हेडलाइट्स हम लोग खोल लेंगे क्योंकि ये सब साफ़ करानी है, और अब इस पर थोड़े बहुत मॉड करने हैं, तो भाई एकदम नया लाइट भी हम लोग नहीं करवा देंगे, रिस्टोरेशन करवाएंगे इसका, तो अभी ये खुलवा के हम लोग साथ में ले चलते हैं भाई, अपनी ज़िला को हम लोग को 2-3 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा भाई, 2 दिन तो लग जाएंगे ना, दो तीन दिन तो लग जाएंगे, हाँ 3 दिन में लग जाएंगे, तो भाई अब 3 दिन बाद ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा, अभी प्राइस वगैरह पूछ लेंगे और वीडियो के एंड में बता देंगे कि भाई, क्योंकि यार अभी नहीं बता सकते हैं, अभी तो काम इस पर हुआ भी नहीं है, तो अभी बाई चांस बाद में जब पेंट एंड करेंगे तो कोई काम निकल आया उसका अलग चार्ज बताएंगे, तो इससे फ़ायदा नहीं है कि आप लोग को हम पहले कुछ और बताएं फिर बाद में कुछ और बताएं, तो लास्ट में आप लोग को इसकी प्राइसिंग बताएंगे कि भैया पेंट होने में कितना खर्चा लगता है, और ग्लॉसी ब्लैक होगा इस पर स्पार्कल वाला, और वो भी कंप्यूटर वाला पेंट होगा, और जो शॉप है यहाँ पे कंप्यूटर से पेंट नहीं होता ऑयल पेंट होता है, लेकिन ये कह रहे थे भाई कि हम आपको गारंटी देते हैं, और या तो आप साथ में चलिएगा वो मतलब जो कंप्यूटर वाले पेंट होते हैं वो लेने जाएंगे, तो भाई अभी देखते हैं क्या सीन है।
अभी कुछ खा लें यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है। इधर ही लेफ्ट जाके हमारी साइड पड़ती है, साइड से हम लोग हो आए थे। 3 बज गया। ये अपना मैकेनिक बात सत्यम को देना, उसके बाद एक बाइक लिक्विड है। अच्छा वाइट लिक्विड है। सत्यम ब्लॉग देख रहे हो तो बताना इनको बाद में, वाइट लिक्विड बता रहे तुम्हारे पास। लगा देगा भाई। गाइस गड्डी दे दी है हम लोग ने। अबे अंधी लग रही है भाई। आके ये रही गाइस लाइट चोर जा रही है, उसको दिखाओ जा रही है अपनी जा रहे हैं घर वापस, चल ही नहीं पा रही है। भाई बहुत नहीं जगह है वो, देखो अरे वो क्या गाइस फहद अपने घर के तरफ ले जा रहा है, लाइट आइट भैया सही करवा के मतलब साफ करवा के लाएगा। ब्लॉग इसलिए बना रहे क्योंकि साला चोर इंसान है बेच बात दे, तो इसलिए भाई बनाना जरूरी है। ठीक है दोनों ले जा रहे हो, एक दो एक क्या अरे एक अरे तो हम अभी हाथ में पकड़ा रहे, रुको तुम्हारी गाड़ी में रुको। अरे गई थी भाई गाड़ी पे, तो आ जाएगी लो, अब आ गई बस खुश। चलो मिलते हैं गाइस, आज तीसरा दिन है और हम लोग अपनी बैंड की एवेन्यू से जा रहे हैं मलियाबाद, और इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं अभी तीन लोग। हाँ ट्रिपलिंग पे इसकी टॉप स्पीड चेक करते हैं, तो भाई जीरो से उठाएंगे इसको। एक दो तीन, चलो भाई देखते हैं कितनी देर में पहुंचती है। 100 तो मुश्किल ही है, 90 चली जाए बहुत बड़ी बात है भाई इसके लिए, 90 चली जाएगी। 3 दो पैसे हैवी हैवी, देखते हैं। चल भाग जा 75 77। पहुंच गई गाइस, 3 लोग में 94 तक गई है, मतलब ऑफ कैमरा 94 गई है, और सिंगल अगर भगाएंगे तो 100 चली जाएगी आराम से। भी देखो कैसे बैठे हैं हम लोग, क्या भाई कुछ हमारा व्यू बढ़िया सा तगड़ा सा। गाइस ये हमने पाली निकल तो गया, आधा खुला है यार शायद, अभी आगे से देखते हैं। उस दिन जब हम लोग आए थे 2 दिन पहले तो बंद था। हाँ भाई खुला है, गाने बज रहे हैं। आमरे पाली, आमरे पाली, आमरे पाली, ये आम्रपाली वाटर पार्क है गाइस लखनऊ का, खुला हुआ है ब्रो। बांध के चलेंगे, आओ चलो आओ आज देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। गाइस हम लोग आ चुके हैं वही शॉप पे, लेकिन आप देख लो भाई कोई काम नहीं हुआ यार भाई, गंदी अलग हो गई। ये क्या भाई, भाई खड़ी है वैसे ही, मतलब इस स्पॉइलर तक नहीं हटा। हमें बारिश, क्या 3 दिन होगा क्या है मसला गाइस। अभी इस पे सिर्फ डेंटिंग हुई है, ये देखिए आप हल्के से स्क्रैचेस बने हुए हैं। बारिश वारिश हो गई थी इसलिए कह रहे हैं रुक गए थे, लेकिन यार फिर भी भाई करना तो चाहिए था। तीसरा दिन है यार, हमें लगा कल मिल जाएगी यार, अभी इस पे डेंट हुआ है। कब तक धो गए है भाई, परसों तक हो जाएगा भाई, कल तक करते यार भाई। भाई कोशिश कर दीजिएगा, ऐसा नहीं रहेगी ना, डल भी लग रही थी ये भाई। ये हमने रैप करा था, नहीं रबड़ है। हाँ ये हमने बाकी रैप कराया था उस पे, वो ऐसे ही रहने गाइस। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भैया अपने घर, गाड़ी ले जाएंगे उसमें वो पुट्टी उट्टी लगाएंगे, पुट्टी लगेगी ना भाई, पुट्टी लगाएंगे इसमें, उसके बाद पेंट, पुट्टी लगेगी कल पेंट होगा। तो हम लोग अभी घर जा रहे हैं, कल बताएंगे क्या हुआ है। अपन लोग यहाँ पे आए मॉन्यूमेंट पे, बहुत पुरानी है ए? बहुत पुराना मसला है भाई, कई सौ हजारों सालों का। मेरा यहाँ का स्टार्टिंग का एक व्लॉग है, हमने जब व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तब हमने यहाँ पे व्लॉग बनाया था। जाके भाई चैनल पे देखो, जाके सबसे पहले मेरे व्लॉग जो हैं उसमें दिख जाएगा आपको। कई सौ साल पुराना मंदिर है ये, टेंपल भगवान शिव का मंदिर, इस पर हम पूरा डेडिकेटेड व्लॉग बना चुके हैं, हमने स्टार्टिंग में व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तब।
तो यहाँ के देख लो जिसने नहीं देखा भी, कुछ ऐसा सीन है यहाँ का। जाओ फाद बुला रहा तुमको, आओ 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 ऊपर चले। ये मंदिर पर जा रहे हैं। अरे भाई मौत दिख रही इधर। सही में जा रहे हो? हाँ भाई हकीक। अरे बाप रे बाप, आओ भाई धक्का दे दें अगर तो क्या। नहीं थोड़ा सा डर लगा ना भाई, हल्का सा डर लगा भाई थोड़ा सा। हाय हाय नहीं भाई, नहीं भैया नहीं। तुम खड़े हो? खड़े हो कूदो बात, खड़े हो कूदो, खड़े हो जाओगे। नहीं भैया यहाँ फांदेगा कौन तुम्हारे लिए? भाई जाएंगे हम भी तुम्हारे साथ साथ। बादल जो देख के माहौल। फोन भी फेंकने? फोन नहीं फेंकने की हो रही है। नीचे उतर जाओ ये देंगे गप पे दे। चलो उतरो भाई, कुछ नहीं करेंगे। अरे यार नहीं करेंगे भाई कुछ, मौत थोड़ी तुम्हारी मौत थोड़ी चाहते हैं। मर मरा जाओ क्या फायदा। बात हसन भाई अबे यहाँ पे नहीं यार। चलो भाई अब कब गाड़ी मिलेगी? अभी शाम में चलेंगे वे, एक बार देखते हैं कितना काम वो करते हैं। उठा दिया अभी हमसे कह रहा चलो, फिर पीछे से उठा दिया आगे। वहाँ मौत दिख रही थी ऊपर है वाली यार, उनको उसी पर बैठा देंगे फास्ट जो देख रहे हो दादा बोलो। हाँ भाई जिन लोगों के शादी भी नाप दी आज, समझ रहे हैं? काम से निकले थे काकोरी आए थे भाई, शादी भी नाप दी। ये मिला है नाश्ता, रसगुल्ला खा लिया गाइस, रसगुल्ला होक दिया है, बिस्किट है यार समोसे के साथ है ना, उसकी उसकी सेम है तो ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म हो गया। हसन भाई निकाह कबूल है कह रहे हैं इंशाल्लाह। रात के 11 बज रहे हैं गाइस, अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग भाई जहाँ पे मतलब भाई का घर है जो पेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आए थे। अभी इस पे चल रहा है पुट्टी चल रही है, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे थोड़ा बहुत, इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। पुट्टी चल रही है ये भाई, इंशाल्लाह परसों मिलेगी है। कल पेंट होगा इस पे, पूरा दिन सूखेगी कल जी, कल इसकी कटाई टाइम हो जाएगी। अच्छा पेंट परसों करेंगे? परसों शाम तक मिल जाएगी। लौंडे भूखे आए हमारे जिला के लिए देख रहे हो हेलो ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं गाइस। अब हम लोग घर जा रहे हैं, अब परसों दिखाएंगे यहाँ, 2 नहीं 12 बज रहे हैं तो अब चलते हैं घर। अब परसों भाई दिखाएंगे क्या हुआ है जिला। गाइस आज हम बहुत देर से लाइट पे काम कर रहे हैं, हमने ये लाइट साफ़ करवाई थी तो आ गई है वापस, और हमने एक और रिंग लाइट लगाई है छोटी वाली, एक बड़ी वाली इधर लगी है, तो ये जब जलेगी तो हम आप लोग को दिखाएंगे। दोनों हम साथ में रिंग लाइट्स नहीं जलाएंगे, इसका कनेक्शन हम अलग करेंगे, उसका आप लोग जानते ही हो किस में है। तो जब अपनी कार इंशाल्लाह कल आ जाएगी तो उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे फिर दिखाएंगे। गाइस फहद भाई आ गए हैं और हमारी माया कड़ी है, आज हम लोग 3 दिन के बाद जा रहे हैं वही मलियाबाद, और देखते हैं भाई कितना काम चला है, मतलब कहाँ पे काम पहुँचा है, क्या प्रोसेस हुआ है। क्योंकि दो दिन से बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमारी कार नहीं मिल पाई। और अभी आप देख लो भाई इसको, बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हो कि भाई माया पे क्यों नहीं ब्लॉग बना रहे हो, अब जिला यार मिल जाए थोड़ी टेंशन कम होता यार, इस पर ब्लॉग बनेंगे। अभी हम लोग इसे जा रहे हैं मलियाबाद, और आज भी देख लो भाई बादल देख लो कितने ख़तरनाक हो रखे हैं, इसलिए यार गाड़ी नहीं मिल पा रही है। 2 दिन से यार बारिश हो रही थी, आज थोड़ी धूप निकली फिर बादल हो गए, तो आज उनसे लेकिन कहते हैं और चलते हैं भाई पेंट कराते हैं। गाइस सारा काम गाड़ी पे हो चुका है अपनी ज़िला पे, बस उस पे पेंट होना बाकी है, तो देखते हैं आज पेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। गाइस हम लोग मलियाबाद आ गए हैं और इस पे आज अभी धुलने जा रही है, धुलने के बाद फिर इस पे पेंट होगा, तो अभी हम लोग इसको वॉश करवाने चल रहे हैं। लाइट आइट निकल गई यार, इतने दिनों बाद फिल्म में पड़ गई है यार।
गाइस ये हालत हो रखी है, ये फिल्म उखड़ गई है, काम चल रहा है यार, हफ्ते से पूरा इंटीरियर ख़राब हो रखा है। तो आज इंशाल्लाह पेंट हो जाएगी, अभी चल रहे हैं इसको धुलवाने, क्योंकि गाइस ये मलियाबाद है तो यहाँ पे लाइट बहुत कम आती है। तो भाई कह रहे थे कि यार हम लोग सुबह से भाई वेट कर रहे थे लाइट का, और लाइट आई आज अभी, और लाइट आई अभी 2 बजे। तो अभी इसको वॉश करवानी है, वहाँ चल रहे हैं थोड़ा आगे। यहाँ पे पहले आए थे वॉश कराने, यहाँ पे नहीं हो पाई, कोई मशीन में इनके प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे वॉश कराएंगे, फिर उसके बाद इस पर टेपिंग वगैरह होगी और इसके बाद पेंट पड़ेगा। तो आज देखते हैं भाई, आज हम यहीं रहेंगे, आज मेरा मतलब ज़्यादा टाइम हम अपना जो मेरा टाइम होगा यहीं स्पेंड करेंगे, क्योंकि भाई एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, डिले हो रहा है। आज हम खड़े होकर काम करवाएंगे, तो देखते हैं भाई आज हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अभी तो फहद गया उधर वाल अपनी माया को पार्क करने, उधर कहीं छाया में खड़ी करी दिख भी नहीं रही है। और अभी बाहर से दिखाएं तो यार सब मतलब डेंट हो गया था, देख रहे हो डेंट और पुट्टी वगैरह का काम हो गया है। बस मेन काम तो भाई बाकी वही है, पेंट होना है ब्लैक, इस पर कौवा बननी है कि यार स्पॉइलर तो हटा दिया है, स्पॉइलर हमें लग रहा है डिक्की में रखा होगा, नहीं होगी का ही नहीं आ जाए वो, ये स्पॉइलर रखा हुआ है, वॉच हो रही है। ब्लैक करवाने के लिए आ गई ना? आ गई ब्लैक हो गई, तभी कर रहा होगा पेंट। तभी तो कर रहा है, ऐसे कहाँ कर देगा पेंट है। तो गाइस आरसी इसकी आ चुकी है, वो हम आप लोग को एंड में दिखा देंगे, और इसीलिए भाई से हमने पूछा अभी तो हाथ भी वही बोल रहा है, इसलिए वो पेंट नहीं कर रहा था, ये आरसी उसके हाथ में दे दी हम लोग ने आके, तो इसलिए आज वो पेंट कर देंगे। कह रहे थे आरसी लाओ, तो हम लोग ने आरसी का जुगाड़ करा, मतलब हो गई कही है इतनी जल्दी, जानने में आरटीओ में मतलब आरटीओ ऑफिस में थोड़ा जान पहचान है, तो उन्हीं ने जल्दी कर दिया, वरना इतनी जल्दी होता नहीं है ब्लैक। बस गाइस साफ हो गई, मतलब धुल चुकी है, बस गाइस क्लीन हो चुकी है, चलते हैं अब। अबे इसकी हम ये चाबी लगाने जा रहे थे माया की, ये रखो अपने वाली चाबी कहाँ है भाई। गाइस माया को भी हटाना है यहाँ से, अपनी जिला को उधर वाल लगाना है, तो अभी चलें इसको स्टार्ट करते हैं। हैं अबे बैक करके कहाँ जाएंगे, बैक कर लें वरना फंसा देगा हैं ये। गाड़ी की हालत देख के बड़ा दुख आ रहा है यार, लग रहा पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई। चलो चलता है यार इतना, अब भाई गाड़ी निकाल लेंगे अपनी, इतनी जगह तो है। बात भैया पूरी की खोले दे रहे हैं KTM की, ये पूरा पेंट कराएंगे। और जिला आ गई है, इस पर पहले मास्किंग होगी, टेपिंग, मास्किंग और टेपिंग होगी, फिर पेंट होगा। अभी गाइस थिनर से पूरी गाड़ी क्लीन हो रही है, और मतलब जो पानी था इस पर सुखाया जा रहा है। हाय हाय स्माइल देखो बस टेपिंग ऑलमोस्ट गाइस 50% हो गई है। ये डॉक्टर की गाड़ी है ऑल्टो, देखिए क्या हालत है। सिद्धू भाई का गाना सुन लिया डॉक्टर पैमा दा, अब ट्रस्ट उड़ गया भाई, सेकंड हैंड गाड़ियाँ डॉक्टर से नहीं लेनी, देख रहे हो ऐसे चलाते हैं, खुद का इलाज करवाया होगा इसके बाद। हाय हाय बड़े हरामी हो बेटा वो भाई बहुत साथ के चलाती हैं, यहाँ से वहाँ तक लाने में आधा घंटा लगा दें को, और इतना हॉर्न बजा दें कि तुम खुद कहो उतर के कि भैया हटो हम हेल्प करे दे रहे हैं ये देखो ये भी बन रही है अभी कहाँ जा रहे हैं गाइस हम लोग खाना खाने जा रहे हैं माया से, चलो अभी आके देखेंगे। मास्किंग तो हो गई है ऑलमोस्ट 90%, मतलब पेंट होगा और पहले तो कोटिंग वगैरह होगी, पता नहीं हमें भाई प्रोसेस सही से, आज पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। कब तक स्टार्ट ला ले कहाँ कीचड़ देंगे, अच्छा माया अलग ही बौकाल है माया का, हाय हाय बहुत सेक्सी लगती है भाई कैमरे में कैसी भी लगती। चलो मलियाबाद आ गए हैं, देखते हैं भाई कोई ढाबा वाबा मलिया ऑर्गेनिक खाना खाएंगे आज। अबे यहाँ तो शोरूम भी खुले हैं मलियाबाद, देखिए गाइस होप करते हैं एक आध रिएक्शन मिल जाएगा।
साला गांव ऐसा हो रहा पूरा ये। आज पहली बार आए इधर वाल, बहुत आगे ख़राब लग रहा है, देख रहे हो क्या हालत है भाई। क्या ही बोले मलियाबाद में यार, अभी तक तो एक ढाबा या एक होटल नहीं मिला ढंग का यार, पूरी बीटी हो गई भाई। खाना यार ढूंढ रहे हैं, अब ढूंढ रहे हैं तो और भूख लग रही है। हमने सोचा था यार इधर वाल खाना मिल जाएगा, लेकिन मिला ही नहीं। अब देखते हैं, खाना नहीं मिल रहा, हैरत है भाई। हाय हाय मलियाबाद का सेंट जोसेफ, बस एक इतना बड़ा रिजॉर्ट खुला है यहाँ पर, यहीं यहाँ खाना होगा क्या? बस यही चीज़ें अच्छी हैं मलियाबाद की नर्सरी। मिल गया ढाबा, देवा ढाबा। बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए बढ़िया है, सबको बैठवा दो लाइन से और बस क्या खिलवा दो, 10 रुपये का छोला भटूरा, दो भटूरे खिलवा दो। हम लोग ने एक शाही पनीर करा है ऑर्डर हाफ, और एक दाल बटर फ्राई और बटर रोटी कराई है। ये आएगा तो दिखाएंगे हैं। हाँ हाँ, मलियाबाद में होटल मिल गया बहुत है, तुम्हें रेडबुल चाहिए भाई। खाना इतना अच्छा है कि यार खाने में मगन हो गए, शूट करना भूल गए। भाई खाना पानी हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाना था। और चल रहे हैं भाई अपनी वही दुकान पे भाई की, और चल के देखते हैं भाई कि क्या काम हुआ है, कहाँ पे प्रोसेस पहुँचा है। बंद कर रहा है, दो बार बंद कर दी, अब स्टार्ट हुई है। दो बार बंद कर दी हमने, हम कैप्चर नहीं कर पाए कैमरे में। क्या वे वाह, कुछ हुआ गोवा की ट्रिप कैंसिल फिर भाई, कौवा हो गई। ये भी कोर्ट चढ़ रहा है पहला। अरे भाई खाना खाने में इतना मसरूफ थे हम लोग, हैं खाना खाने का मैजिक हो गया यहाँ पर। इसके ऊपर ग्लॉसी चढ़ेगा, अभी मैट हो रहा है, ये पता नहीं क्या होता है, कौन सा कोट होता है, अस्तर। अभी गाइस पे हाँ अस्तर कह रहा है, अस्तर अभी गाइस अस्तर हो रहा है इस पर, देख लो भाई तुम अपने सामने लगेगी ब्लैक पे यार। मैट अच्छा लग रहा है यार, हैं मैट पर गंदगी बहुत लग जाती है यार, मतलब मिट्टी यार बैठ जाती है, समझ रहे हो ना। वाइट से लेकिन हाँ वाइट यार, उसमें पेंट ही गया था, वो पहले से गंदा था। ये अस्तर अच्छा लग रहा है हमें तो। अस्तर पे छोड़ दो भाई इसको, रहने दो पेंटेड। गाइस लिटरली आप लोग को बताएं, इस पे से मेरी निगाहें नहीं हट रही यार, अंदर अंदर पेंट पड़ रहा है। उधर के दो डोर हो गए हैं, इधर के भी हो रहे हैं, फ्रंट वाला हो गया लेफ्ट साइड वाला, अभी ये बैक का हो रहा है लेफ्ट। किसी को इंजन मंगता अपनी बाइक के लिए तो लगाने का, अरे तफरी करने दे भाई, कार में कौन लगाएगा वो पता नहीं क्या। अबे दो लगवा दें, हम सोच रहे हैं पोलो में, फर्स्ट इन इंडिया दो इंजन, एक फॉक्स वैगन का लगा रहेगा, एक पीछे लगवा दें। डोर्स पे पेंट हो गया, अभी ये क्लियर कोट पड़ेगा। ये शाइनिंग के लिए होता है भाई, ग्लॉस बनने के लिए। हाँ दिख रहा है हल्का हल्का स्पार्कल। गाइस डोर पे डोर हो गए अंदर से, और भाई कह रहे हैं आज यार रात में नहीं करेंगे इसको, मतलब शाम हो गई है, और क्योंकि यार ठंडा मौसम है, और मान के चलिए अगर ओस ओस गिर गई उस पर तो दिक्कत हो जाएगी, तो कह रहे हैं कल सुबह कर देंगे, और कल दिन में या शाम में आपको गाड़ी मिल जाएगी। हाँ गाइस आज भर का काम हो गया, अब हम लोग कल आएंगे इंशाल्लाह। गाइस आज है उसका दूसरा दिन, आज हम लोग जा रहे हैं भाई, इंशाल्लाह गाड़ी मिल जाएगी। तो फाइनली रिवील करने का टाइम आ गया अपने कौवे को, ये देखो बस इस पर क्लियर कोट पड़ना बाकी है, तो दिखा देते हैं। हाँ लग रही है यार, रोड पे निकलेगी तो फिर देखो नजर है सबकी, फुल ब्लैक माफिया, माफिया कार लग रही है ना, मामा 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 क्रिमिनल। आज माशाल्लाह गाड़ियाँ ज़्यादा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कल आएंगे कटर पॉलिश के लिए। क्लियर कोट का अलग ही हो रहा है यार, अच्छा क्लियर कोट में स्पार्किल पड़े होते हैं ना, डाले जाते हैं के बाद ये दिख जाता है। अच्छा हाँ पड़े तो हल्के हल्के हैं, देखो धूप में दिख रहा है शायद, आप लोग देख सकते हैं अगर दिख रहा हो।
Every little thing you do, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling for you. Up on my timeline, change your colors on me like you're tie-dye. Got me falling for you while you took a skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my night's rest. Baby girl, you were my best, best friend. Every little thing you do, it gets me thinking. Buy another shot, you got me drinking. Could you shut me down and there's no witness? Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. Touch you, a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling, falling for you. मेरी भाभी से बात करके अपनी भाभी कह रहे थे देख रहे हो भाई चेहरा देख लो बे अरे बाल अल सेट कर रहे हो उसमें कर लो सेट यार ठीक हो माया का बड़ा भाई जिला भाई फहद भाई की पावर देखोगे आसीन आसीन चढ़ाने जा रहा है अरे बाप रे बाप इतना बड़ा सिलेंडर गजब भाई बढ़िया अबे यार ये एपिक था भाई ये ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई ये भाई ये इतनी अच्छी लग रही है कि इस पे से मेरी निगाहें नहीं हट रही है भाई बहुत प्यारी लग रही है देखो तो भाई क्या काम हुआ यार इस पे मज़ा आ गया यार भाई यार अभी कटर पॉलिश नहीं पड़ी है कटर पॉलिश पड़ने के बाद क्या हाल होगा इसका स्नैपचैटर किनारे से सब साफ हो रहा है फिर साइड वगैरह इसका BW का जो लोगो है वो रेड करा देंगे गाइज आज का जो काम था हमारा पेंट इंट मतलब हो चुकी है आप देख लो आप लोगों ने देख ही लिया भाई कई बार दिखाएंगे हम हमारे लिए तो भाई जय बार देखेंगे उतनी बार कम है तो हम लोग चल रहे हैं घर यार अभी बज रहे हैं 5 और कल आएंगे इंशाल्लाह और कल भाई पूरा इंटीरियर वगैरह इसका भाई कह रहे हैं साफ हो जाएगा स्पॉलर वगैरह लग जाएगा और इंटीरियर में जितनी भी गंदगी वो सब साफ हो जाएगी और भाई कल कटर पॉलिश हो जाएगी भाई कल आते हैं और इंशाल्लाह कल गाड़ी भाई लेके जाएंगे शाम में तो अभी आप देख लो भाई मतलब का काम अपने सुफियान भाई का काम OP है भाई देख लो अभी भाई इतनी ज़्यादा मतलब रियलिटी में मतलब रियल लाइफ में जो देख रहे हैं अपनी रियल लाइफ आंखों से भाई जो देख रहे हैं ना वो अलग ही लग रहा है पेंट यार मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है भाई मतलब भाई सच में इन्हें हम भाई ने कहा कि तुम्हारे लिए सिर्फ यहाँ पर हमने कंपनी का पेंट लगाया और कंपनी का पेंट आप देखो भाई दिख भी रहा है अलग से अगर कोई सस्ता या मतलब चीप होता है दिख जाता है कि नहीं तो भाई देख लो ब्रांडेड पेंट था बढ़िया यार देख लो शाइनिंग देखो यार ब्रांडेड हवा हवा भाई ख़त्म हो गई है भाई कम से कम आज 9वां या 10वां दिन है गाइस 19 को जीती आज है 28 हाँ भाई 9 दिन हो गए यार बस चलते हैं घर अब ठीक है अब कल आते हैं इंशाल्लाह अभी देख लो आप कुछ ऐसी लग रही है हमारी ज़िला और इसके पार्ट्स वगैरह भाई सब वेट कर रहे हैं इसका लगने के लिए तो बस यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भाई अब हो गया है फिलहाल काम अब कल आते हैं इंशाल्लाह मलियाबाद के रेलवे ट्रैक पर आए फैटू सूट करने सुसाइड नहीं करने आए हम लोग ने हमने भाई पर्सनली
दो या तीन महीने से भाई इंस्टा पे पोस्ट नहीं डाली है, तो आज भाई देख लो कहाँ आए फ़ोटो खिंचवाने। और भाई जिसने इंस्टा पे नहीं फॉलो कराया जाके भैया जल्दी से फॉलो करो, साहिल खालिद 2227 भाई, उस पर भी बढ़िया पोस्ट वगैरह आती हैं माया की, माया की देख लो कितना तगड़ा लग रहा है यार।